शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम अपनी जबान बंद रखो, समझे? कैसे लग रहे हमें? हथौड़ा। अरे बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा। रवि ने तुमको बचाया? यही तो ताजुब की बात है। रवि भी धर्मदास का आदमी है, मगर मेरी खातिर उसने अपने ही आदमियों से मारपीट की। उसका खून पुकार उठा होगा। वो तो अभी भी ये समझता कि तुम उसके भाई की, वो तुम्हारी बेइज्जती कैसे देख सकता था? वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो लोग मुझे उठा के ले गए। अब पता चल गया है कि डोंगरी पर उनका एक और अड्डा भी है। अब ये पता करना है कि वहां क्या कारोबार चलता है। मैं पता करूंगा, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब उस छोकरे रवि का क्या किया जाए? दुर्लभ, खलास कर दो। जिंदा छोड़ दिया तो वह धर्मदास के सामने मेरी पोल खोल देगा। अंधेरा बढ़ जाए तो उसकी लाश को बाहर फेंक देना। रवि, दोस्तों, अंधेरा काफी बढ़ चुका है। चलो उसकी खटिया खड़ी करने के लिए। रवि, रवि, उठ रवि। आज मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। कहाँ गया वो लौंडा? ढूंढो साले को। भगवान करे तुम्हें बहुत जल्द होश आ जाए, तब तक शायद दरवाजा भी खुल चुका होगा। फौरन भाग ले मेरे भाई, तेरा पीछा। भैया, माँ, 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 भैया कहाँ है? माँ, आज इतने दिनों बाद भैया की याद कैसे आ गई? अब बताओ भी कहाँ है भैया? रोज जाने कहाँ रहता है, रात को देर से लौटता है। मगर आज तो भैया कहाँ है? वो तू कुछ जानता है? बोलना, कहाँ है विजय? कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। शायद मुझे बचाने के लिए विजय भैया भी वहां पहुंचे। और तो तेरे साथ क्यों नहीं लौटा वो? क्या हो गया उसे? तेरे बुरे कर्मों की आज तेरे भाई तक भी पहुंचने लगी। एक वही तो है हमारे बुढ़ापे का सहारा। उसे बर्बाद करने से पहले मेरा गला घोंट दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, 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 मुझे समझने की कोशिश करो। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। माँ, सब मुझे गलत समझते हैं। रवि, भैया, भैया, भैया तुम आ गए। शुक्र है तुम भी वहां से बच निकले। ये ले तेरा कोट। अरे, अरे, ये खून कैसा? मामूली सा घाव है, अंधेरे में बेचारे का निशाना चूक गया, गोली बदन से छूके निकल गई। ये ले। आजा मेरे भाई।
मेरे लिए तुम अपनी जान दे रहे थे भैया। अब तो धर्मदास का साथ छोड़ दे मेरे भाई। भैया अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। क्या भक्त हो, भक्त भी हो क्या तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे चालू आदमी के पल्ले बांध दूंगा? क्यों नहीं बांध सकते, उस बेटी की माँ को भी तो तुम जैसे माँ चालू के पल्ले बांधने गया था। अरे उसकी माँ के बाप से जाने में गलती हो गई थी, लेकिन मैं ये गलती हरगिज नहीं करने वाला। मैं अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे शरीफ लड़के के साथ करूंगा। शरीफ लड़का ढूंढोगे तो उसे भी तो लुच्चा बनाना पड़ेगा ना, तुम्हारा काला धंधा चलाने के लिए उसको भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। और इस वक्त पूरी तरह ट्रेन लुच्चा मौजूद है तुम्हारे सामने। तुम जैसे पापी ससुर को मुझसे ज्यादा क्वालिफाई दामाद नहीं मिलेगा शहर में ससुर जी। चुप, बकवास बंद करो। अर्ज कर रहा हूं मैं, कोई आ रहा है। तुम मुझे जिंदा देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी ना तुमको। जिंदा देखकर? हाँ सेठ जी, कल इन्होंने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और ये वही गुंडे थे जिन्होंने आप पर और आपकी बेटी पर हमला किया था, और उनका सरदार आपके सामने खड़ा। ये झूठ बक रहा है सेठ। जिन गुंडों ने तुम पर हमला किया था वो मेरे आदमी नहीं थे सेठ। उस दिन तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकी थी गुंडों ने, मैं नहीं लड़ा उनके साथ। अरे वो सब एक चकमा था सेठ जी, आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका हीरो का हार उड़ाने के लिए। थोड़ा धूल तो ये झोंक रहा है तुम्हारी आंखों के अंदर। एक तरफ तुम्हारा सेक्रेटरी बना हुआ है और दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मनों की मदद करा यार हमजादा। मेरे दुश्मनों की मदद? हाँ तुम्हारे दुश्मनों की, जो लौंडिया हमारे खिलाफ उजाला अखबार में जहर उगलती है। मैंने अपने आदमियों के जरिए उसे उठवा लिया, लेकिन ऐन मौके पे पहुंच गया उस फूलझड़ी को बचाने। उस लड़की को मैं पूना से जानता हूँ सेठ जी। क्या तुम ये नहीं जानते थे कि वो हमारी दुश्मन है? बिल्कुल नहीं जानता था। अच्छी तरह से जानता था, ये उजाला अखबार का जासूस है सेठ। उजाला अखबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं सेठ जी, ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर क्योंकि मैंने इसकी पोल खोल दी। अरे जा तू, क्या मेरी पोल खोलेगा? अरे जा जा, तुझको खोलकर पोस्ट में प्रवेश कर सकता हूँ दुर्लभ जी। कौन है ये जोकर? अरे उजाला अखबार का एडिटर है ये। नमस्कार। अरे साहब क्या मौके पर आए आप, बताइए, आप ही बताइए सेठ जी को, मैं भला उजाला अखबार का आदमी हूँ क्या? आदमी तो आप हैं लेकिन उजाला के नहीं। लो वैसे आपका शुभ नाम जी? मुझे जाओ ये सब, पहले ये बताओ तुम मेरे घर में आए क्यों? आपको उजाला अखबार का मालिक बनाने के लिए। उजाला अखबार का मालिक और मैं? जी वो श्रद्धा देवी से अब इस उम्र में कारोबार संभाला नहीं जाता, वो उजाला प्रकाशन बेचकर रिटायर होना चाहती हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो मैं सौदा सस्ते में पटा सकता हूँ। जरूर खरीदिए सेठ जी, फिर आपके खिलाफ उस अखबार में कुछ नहीं छपेगा। अजय हम अखबार वाले चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं आपकी हराम की कमाई को हम हलाल की कमाई साबित कर देंगे, आपके जुए खाने को मंदिर बना देंगे, और आप दोनों धुरंधरों को कर देंगे क्या मतलब धर्मात्मा साबित कर देंगे और क्या। ए, खास लेट में नहाए वो छुछुंदर। कहीं तू हम दोनों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं उस तरह नरेश, मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो आप मेरी गर्दन उड़ा देना। सेठ जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस सौदे से आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है ठीक है, शारदा देवी से बातचीत करो। परसों उनके बंगले पर उजाला प्रकाशन का रजत जयंती समारोह है, तो देवी का आग्रह है कि आप अवश्य पधारें, बाकी बातें वहीं तय हो जाएंगी। नमस्कार। मैडम आप है श्रद्धा देवी, ये है श्री धर्मदास जी। नमस्कार। और ये है दुर्लभ जी, इंग्लिश में मिस्टर डिफिकल्ट। ये पार्टी आप ही लोगों के लिए दी गई है। थैंक यू इंडीड। अरे प्रेम बाबू आ गए। अबे ऑन नटवर, ये क्या चक्कर है? तू तो कह रहा था कि ये पार्टी सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन खास मेहमान तो ये अपंग है। ये पंगा क्यों दिया गया है? ये पार्टी खत्म होने से पहले आप दोनों जान जाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। आप मेरे घर पधारे प्रेम बाबू, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये श्रद्धा देवी जी है हमारे उजाला पब्लिकेशन की मालकिन। अब आपकी तबीयत कैसी है विजय? पहले से बेहतर है, भगवान करे जिस मकसद से आपने ये पार्टी दी है आज वो चमत्कार भी हो जाए। लीजिए। जोश नहीं, विस्की बॉल विस्की। ये कैसी ठंडी पार्टी है, मैं तो सोच रहा था कि हथौड़ा होगी हथौड़ा। आजी हथौड़े भी पड़ेंगे, थोड़ा पार्टी को आगे चलने दीजिए। पार्टी में जाने से पहले इसे पहन लो। धर्मदास सेठ वो अंधी के साथ वो लौंडिया देख, वही है जिसने उजाला अखबार में हमारे खिलाफ जहर उगला था। नटवर जी ये क्या माच रहा है?
पार्टी हमारे लिए दी गई है और हमारे दुश्मनों को यहाँ बुलाया गया। अरे तो चिंता किस बात की सेठ जी, आपका रक्षक भी तो फान पड़ा इस पार्टी में, आपकी सुपुत्री के साथ ललिता डैडी। लली, ये हार तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सौभाग्य से डैडी। तुम चुप रहो लली, हर तरफ फौरन जल्दी जल्दी। मगर क्यों डैडी? हाँ मगर क्यों डैडी, इसके गले में कोई चोरी का हार तो है नहीं, ये सिटी क्यों गुल है? शुट अप। आज इस पार्टी में कुछ चीजें अपंग लोगों की मदद के लिए नीलाम की जाएंगी। मैं अपनी तरफ से चंद जेवरात पेश कर रही हूँ। इस नीलाम से जो रकम जमा होगी वो अपंग चैरिटेबल ट्रस्ट को भेंट कर दी जाएगी। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप दिल खोल कर इस नेक काम में अपना सहयोग दें। क्यों मैम साहब, क्या ख्याल है, दे दे सहयोग, कर दे ये हार नीलाम? करना चाहो तो कर दो, तुम हो मालिक। क्या भक्ति हो, मालिक मैं हूँ जी। अब मैं हूँ सेठ जी, वो उस दिन आपने पटाने का परमिट दिया था। तुम अपनी जबान बंद रखो समझे, चलो हार दो, हार दो मैं कहता हूँ। एक तो बगैर पूछे हुए हार पहनकर चली आई और ऊपर से नीलाम करना चाहती है, चलो। पर इसमें आपको क्या इतराज हो सकता है डैडी? तुम मेरी लुटिया डबोने पर तैयार हो और मैं एतराज भी ना करूं? एतराज कैसा सेठ जी, आप ले लिया, मैं बोलता हूँ मैडम, इस युवती के गले का हार, आप आई लोगों की सेवा में हाजिर है, सबसे पहले इसे नीलाम किया जाए। चिल्लम जैसा मुंह खोल कर क्या देख रहे हो घोंगा बसंत, जाओ अपनी लौंडियों को पकड़ कर लाओ वरना इतना कीमती हार हाथ से निकल जाएगा। भाई साहब ये हार बहुत कीमती है क्या? 10 करोड़ का है। सावधान भाइयों, देवियों, सज्जनों, सावधान, सोच समझ कर बोली लगाइए, सोच समझ कर, पता चला है कि ये हार 10 करोड़ रुपए का है। जी, अरे खुद ही देख लो। ये क्या बकवास कर दी तूने हरामजादे, काट कर दूंगा। अरे काटने की बात तो बाद में देखेंगे, अभी पकड़ के दिखा। एक्सक्यूज मी धर्मदास जी, वो आबनूर हीरो का हार भी 10 करोड़ रुपए का था, कहीं वही हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं? नहीं नहीं, वो हार भला मेरी बेटी के गले में कैसे आएगा, ये तो बहुत ही मामूली सा हार है, बहुत ही मामूली सा। अच्छा। सिर्फ 1 लाख रुपए का है। फिर भी भाइयों, ये हार इस सुंदरी के गले तक पहुंचकर करोड़ों का लगता है। इस हार का कारीगर कौन है ये तो सेठ धर्मदास ही जाने। लेकिन ये सुंदरी सेठ जी की कारीगरी है। लगाइए लगाइए, बोली लगाइए, मेरा मतलब इस हार पर बोली लगाइए, सुंदरी पर नहीं। शुरू हो जाइए। 20,000, 22,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। आगे बढ़िए भाइयों, वरना ये हार 50,000 में चला जाएगा। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 1 लाख। शाबाश सेठ जी, आप ये हार कैसे छोड़ सकते हो? बाप का माल जो है कोई 1 लाख से आगे बढ़ने वाला? बोलो भाइयों। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कोई 5 लाख से आगे बढ़ने वाला है? कोई माई का लाल जो सेठ धर्मदास को पछाड़ सके? कोई नहीं। 5 लाख 1, 5 लाख 2। ठहरो बाबूजी, अब हीरो का यही है, यही है वो हार। शंकर, जाके मेन स्विच देखो। अरे भाई ललिता, रवि, मेरा हार कौन ले गया? मेरा हार कहाँ गया? सबकी तलाशी लो। देखिए कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, हार के लिए सबकी तलाशी होगी, कोई बाहर नहीं जाएगा।
मेरा हार कहाँ है? घबरा मत, तलाशी हो रही है, बहुत जल्द मिल जाएगा हार। डैडी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अंधेरे में घर चले गए होंगे, तुम भी चलो। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जाने की एक वजह है, आओ मेरे साथ। पता करो वो हार मिल गया कि नहीं। मिलना है तो मिल जाएगा बाबूजी। आपको जबान मिल गई, मुझे दो जहान की दौलत मिल गई, बस। नैना, तुम्हारे सामने विजय के बाबूजी हैं। बहू, तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई बहू? भूली कहाँ बाबूजी, आपके चरण छूने के सौभाग्य को तरस रही थी। आशीर्वाद दीजिए। दीजिए रहो बेटी। बेटे, बहुत कुछ बताना है बाबूजी। आप घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। नैना, मैं बाबूजी को घर छोड़ के आता हूँ। अच्छा, चलिए। फिर लौटेंगे ना? हाँ, जरूर लौटूंगा। राधा, शुक्र है गायब नहीं हुआ। ललिता के गले में जरूर नकली हार रहा होगा। क्या हो रहा है धर्मदास? तो ये है आपका धर्म, भगवान की मूर्ति की आड़ में चोरी का माल छुपा रखा है। नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा है। हाँ हाँ, तो अभी पता चल जाएगा। अरे ललिता, तोड़ कर इधर आना। तो क्या बात है रवि? अपने डैडी के हाथों में ये हार देखो। अरे, ये तो वही हार है जो मेरे गले से चुराया गया था। नहीं बेटी, वो हार नकली था, ये असली है। झूठ मत बोले सर जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो हार नकली था? इसलिए कि उसे मैंने ही बनवाया। हाँ हाँ, आप कैसे बोले? इसलिए कि उसे आप ही ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? किस मकसद से बनवाया था? नहीं, मैं क्यों बनवाने लगा? लेकिन बेटी, वो जो हार तेरे गले में था वो नकली था। और जो तुम्हारे सामने चोर है वो असली हार का मौजूद है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अभी फोन करता हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज, पुलिस को फोन मत करो प्लीज। अरे डरना कैसा सेठ जी, हार तो आपका अपना है ना। हाँ हाँ, तो फिर डरना कैसा? अभी नहीं, नहीं, प्लीज, पुलिस को फोन मत करो प्लीज। देखो, तुम और ललिता एक दूसरे को चाहते हो ना। मैं तुम्हारे ससुर बनने वाला हूँ। तुम अपने ससुर को पुलिस में दे दोगे? अरे, इससे ससुरे को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मगर इस बात का फैसला बाबूजी करेंगे। बाबूजी? कौन बाबूजी? प्रेम बाबू, उन्हीं का बेटा हूं मैं। क्या? अरे, यही है बेटे, यही है असली आपनूर हीरे, आखिर ये हमें मिल ही गए। अब हमारे घराने की खोई हुई खुशियां भी वापस लौट आएंगी बाबूजी। बस दुख है तो इस बात का कि इन्हें पाने की कोशिश में मुझे अपने माता पिता का विश्वास खोना पड़ा। रवि? हाँ बाबूजी, इन हीरो तक पहुंचने के लिए मैंने आपसे नाफरमानी की, आपके दुश्मनों से जा मिला, आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ बेटा, हम तो यही समझे थे कि धर्मदास की बेटी के इश्क में तुम इनसे जा मिले हो। मैं ललिता से प्यार करता हूं, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, मगर आप जैसे माता पिता पर मैं ऐसे हजार इश्क कुर्बान कर सकता हूं बाबूजी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटे। तुम मेरी बेटी से इश्क करते रहो, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे अगर इनका संधि बनने का चांस आज से निकल गया तो ये जरूर मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। अच्छा, पहले ये बताइए कि उस पार्टी में वो नकली हार आपने नहीं उड़ाया तो फिर किसने उड़ाया? अजी, उसी अथौड़े के बच्चे दुर्लभ ने। हाँ, शायद मेरे लिए लाए होंगे। आ गए तो कुछ बोलो ना। तुम्हारे लिए राधा ने मुझे अपने हाथों से सजाया है, मगर मैंने ये हार खुद पहन लिया। अच्छी लग रही हो ना? सचमुच? ये क्या हो किए जाते हो? खुल के बोलो ना, कैसी लग रही हो मैं? हथौड़ा। नैना,
राधा, राधा, ये क्या हो राधा? राधा, आंखें खोलो राधा, आंखें खोलो राधा, राधा, राधा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। राधा, कुछ भी हो राधा, राधा, राधा आंखें खोलो राधा, क्या हो राधा? क्या हो तुम्हें? तोड़े को इन हाथों से नहीं तोड़ा तो रवि मेरा नाम नहीं। पुलिस स्टेशन पे श्रद्धा देवी बोल रही हूँ। सत्यानाश हो तेरा टकले। बता कहाँ है वो हार? मुझे नहीं मालूम। अभी उस अंधी के गले में था। पता कहाँ छुपाया तूने हार? मैंने नहीं छुपाया। पूरी चाकू देख रही हो राजा? जब ये अंदर जाता है तो अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं। जल्दी बता वो हार कहाँ है? राजा, दरवाजा खोलो। जल्दी बता वो हार कहाँ है? बताओ हार कहाँ है? बताओ हार कहाँ है? वरना मैं तो जान से मार दूंगा। बताओ हार कहाँ है? तुम
मत जाओ। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। राधा कहाँ है? नैना, नैना मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम भी मेरे पास आओ। मैं जा रही हूँ, अब तो मेरे पास आओ। ऐसे नहीं कहते नैना। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली। अकेली कहाँ? राधा भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है। अब ये लेगी मेरी जगह तुम्हारे लिए भी और मेरे पति के लिए भी। तेरी जगह मेरे जीवन में कौन ले सकेगा? तुझ जैसी बहन मुझे कहाँ मिलेगी? मेरे लिए तुझे जीना होगा नैना, तुझे जीना होगा। तेरी आंखों में सदा जीऊंगी राधा। अपना सुहाग तुझे सौंपकर तेरी नजरों से मैं सदा देखूंगी उन्हें। अपना हाथ दो नैना। नैना मैं जाने से पहले ये सुहाग माला राधा के गले में चुना चाहती हूँ। ये तू क्या कह रही मेरी बच्ची? सुहाग ने जीते जी अपना सुहाग किसी और को नहीं सौंपा करती है। इससे में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी माँ। इस सुहाग माला पर राधा का ही अधिकार है। नहीं नैना, इसे पहनो। सुनो, ये सुहाग माला उसे पहनो। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। वक्त बहुत कम है, मेरी बात मानो। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा। धर्मदास जी ये क्या स्वांग रचा लिया आपने? अब कौन सा पैंतरा खेलने वाले आप अंकल जी? अरे भाई खुद मेरे साथ आपके रवि ने धोबी पछाड़ खेला है। कहा कि मैं बाकी का जीवन तीर्थ स्थानों में जाकर झाड़ू लगाऊं। अंकल स्वर्ग में अगर एडवांस बुकिंग करानी है तो अपने तमाम कर्मों का वही खाता इसी धरती पर ठीक करना होगा। इसलिए तो बेटा मैं अपने पापों की सारी कमाई को दान करके जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। और अब तो मेरी बेटी भी इस घराने की बहू बन गई है। भगवान करे सदा बना रहे ये घराना। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण।